आइए सुनते हैं नवरात्रि व्रत की 3 कथाएं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर ना होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न है। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हो। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेलखाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। दूसरी कथा। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर दशमी तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता रानी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलना और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मेरी एक और चैनल है जिसका नाम है GR गुड़िया वॉइस। आप उस चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।